हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाइयों, जैसा कि भाइयों आप जानते हैं, साल में 10 जनवरी को पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो भाइयों, ये चार काम नहीं करें वरना आपको अन्यथा इसका भुगतान करना पड़ेगा, बहुत ही बुरा। जी हां भाइयों, आपको बताना चाहते हैं, पौष पूर्णिमा पर 10 जनवरी को लगेगा पहला चंद्र ग्रहण, पूरी तरह नहीं छुपेगा चांद, बन सकते हैं युद्ध के हालात। तो भाइयों, इस वक्त का सबसे बड़ी खबर हम आपको लेकर आ रहे हैं, चंद्र ग्रहण के दौरान आप क्या करें क्या नहीं करें, कब लगेगा चंद्र ग्रहण, उसकी सारी जानकारी तो वीडियो अंत तक पूरी देखना। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर फटाफट जुड़ जाएं, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पौष पूर्णिमा पर 10 जनवरी को साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ेगा। यह ग्रहण 4 घंटे 1 मिनट चलेगा। ग्रहण का आरंभ 10 जनवरी की रात 10:49 से शुरू होगा और 11 जनवरी को तड़के 2:40 पर समाप्त होगा। ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व दोपहर 1:39 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 10 जनवरी को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण खंडछा युक्त चंद्र ग्रहण होगा। जी हाँ भाइयों, ज्योतिषाचार्य अमित जैन ने बताया कि यह चंद्र ग्रहण उप छाया ग्रहण होगा, जिसमें चांद पूरी तरह छुपेगा नहीं और न ही चंद्रमा की काली छाया पृथ्वी पर पड़ेगी। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा की राहु मिथुन राशि में होंगे और चंद्र नक्षत्र पुनर्वसु रहेगा। भारत के अलावा ये ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में भी देखा जा सकेगा। इस साल के बाकी चंद्र ग्रहण 5 जून, 5 जुलाई और 30 नवम्बर को पड़ेगा। तो भाई, ये पहला है साल का पहला चंद्र ग्रहण जो 10 जनवरी को चालू होगा रात के 10:39 पर। भाई, आपको बताना चाहते हैं, युद्ध के बन सकते हैं हालात। जी हाँ भाई, ज्योतिषाचार्य अमित के अनुसार चंद्र ग्रहण मिथुन राशि में लगने जा रहा है, इसलिए महिलाओं पर इसका असर सबसे ज्यादा होगा। युद्ध की संभावनाएं भी बनेंगी, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का संकट भी बढ़ सकता है। ग्रहण का असर धार्मिक आस्थाओं पर भी चोट करेगा। वहीं धर के मामले में उत्पाद बढ़ा सकता है, जिसमें बड़ा नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप भी सावधान रहे। वहीं आप बताना चाहते हैं, ऐसा लगता है चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, तो पृथ्वी की वजह से चंद्र पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंचती है, पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चंद्र पर पड़ती है, इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चलो भाई, ज्योतिषाचार्य अमित जैन से जानते हैं चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष, अपनों से धोखा भी मिलेगा, वहीं वृषभ रुका धन मिलेगा। मिथुन, व्यापार में नुकसान हो सकता है। कर्क राशि वाले को करियर में परेशानी होगी। वहीं सिंह, संतान से कष्ट हो सकता है। वहीं कन्या, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। वहीं तुला, मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। वृश्चिक, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। धनु, सेहत खराब और चोट आदि के योग बन सकते हैं। मकर, परिवार के मांगलिक कार्यों में खर्चों में बढ़ोतरी होगी। कुंभ, पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव, खर्च बढ़ेगा। मीन, नौकरी पैसा वालों को परेशानी, मान हानि हो सकती है। तो सभी राशि वालों के लिए हमने एक नज़र थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी है। वहीं भाइयों, चंद्र ग्रहण के उपाय। चंद्र ग्रहण के दिन पूजा पाठ हुए जप दाप आदि करना अच्छा रहेगा। चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए। इस दिन रात्रि को भी गंगा, अन्य नदियों और बावड़ियों में स्नान किया सकता है। ग्रहण काल में गुरु मंत्र का जाप करें और ग्रहण के बाद दान करें तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो भाई, हमने आपको जो जानकारी दी है, हम आशा करते हैं आप उससे खुश हुए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह, ताकि सभी दोस्त आ रहे थे कि वीडियो पहुंच जाए। अगर इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमसे आप जुड़ना चाहते हो, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हो, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मैंने कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा आपके पास। तो वीडियो में आज इतना ही। भाई, जय हिंद, जय भारत।